आपके स्टेबलाइजर में वोल्ट मीटर रीडिंग नहीं कर रहा है तो हम आपको वोल्ट मीटर चेक करके बताएंगे कि मीटर आपका सही है या खराब है और मीटर को बदलना भी बताएंगे। तो यहां पर आइए हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा ये मीटर खराब है या सही है। इसके लिए ऐसे आपके पास एक सीरीज वायर होगा और इस सीरीज वायर के द्वारा आपको पहले मीटर टेस्ट कर लेना होता है। तो हम पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे मीटर का। तो यहां पर सीरीज बोर्ड में देखें करंट आ रहा है। अब इसके दोनों पे हम पिन पर, यहां आप दिखाइए, यहां दोनों पिन पर जैसे प्रॉड लगाएंगे तो मीटर में देखेंगे कि मीटर हमारा रीडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखेंगे कि मीटर यहां पर रीडिंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस वोल्टेज स्टेबलाइजर का ये मीटर आपका खराब है। अब हम आपको इस मीटर को पहले निकालना बता दें, उसके बाद आप इसमें नया मीटर चेक करके कैसे लगाते हैं ये बता दें। तो चलिए सबसे पहले हम इस मीटर को कैसे निकाला जाता है। तो सबसे आसान तरीका, यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर ये दो वायर जुड़े होते हैं और इसके बाद इस मीटर को हटाने के लिए यहां पर एक नट लगा होता है। तो इस नट को हम पहले खोल लेते हैं और आयरन से इन दोनों वायर को इसमें से हम छुड़ा देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वायर को यहां से छुड़ाएंगे। आयरन को मैंने पहले से ही गर्म कर दिया था, समय की थोड़ा बचत हो जाए। और ये हमारा वायर यहां से हट चुका है। अब देखिए मीटर को निकालना इसके अंदर से बहुत ही आसान होता है। तो यहां आप देखेंगे ये इसका नट ऐसे आराम से आप बहुत ही आराम से इसे खोल सकते हैं इस तरह से। ये स्टैंड इसका मैंने हटा दिया। अब मीटर पीछे की तरफ नहीं निकलेगा, ऐसे आगे की तरफ आप इसे ऐसे निकाल लीजिए, बहुत आसानी से आप इसे बदल सकते हैं। तो ये हमारा मीटर खराब हो चुका है। लेकिन आपको एक जानकारी यहां पर दे दें कि जब भी आप मीटर को बदलें तो मीटर को बदलते समय आपको इसके रीडिंग पे ध्यान देना होगा। थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए, यहां पे देखेंगे मीटर की लास्ट रीडिंग यहां 500 बता रहा है ये, तो 500 इसकी रीडिंग है। इसका मतलब ये वोल्टेज स्टेबलाइजर मेरा डबल फेस का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। और जितने सिंगल फेस के वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं आप यहां देखेंगे दोनों मीटर की साइज एक समान है, लेकिन इसकी लास्ट रीडिंग आप देखेंगे तो 300 इसमें बता रहा है। तो यहां पर मीटर को लगाते समय आपको ध्यान देना है कि हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर सिंगल फेस का है या डबल फेस का। तो डबल फेस के वोल्टेज स्टेबलाइजर की रीडिंग 500 और सिंगल फेस के वोल्टेज स्टेबलाइजर की रीडिंग 300 होती है। लेकिन यहां पर एक जानकारी और आपको बताता हूं कि स्टेबलाइजर आपका 1 किलोवाट का हो या 5 किलोवाट का हो, तो यहां पर वोल्टेज स्टेबलाइजर कोई भी हो मीटर में आपको साइज देख के ही लगाना होता है और इसकी रीडिंग क्या है पुराने वाले की तो नया वाला भी आपको सेम ही लगाना होता है। तो चलिए अब हम नया बोल्ट मीटर इसके अंदर फिट करके आपको दिखाते हैं। तो ये तो हमारा पुराना वाला है, अब हम इसमें एक नया बोल्ट मीटर यहां से लेते हैं और इसको पहले टेस्ट करेंगे कि ये मीटर हमारा सही है या खराब है। तो इसके स्टैंड को पहले यहां से हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसको पहले हम चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो चलिए यहां पर चेक करने के लिए सीरीज वायर को अपने सीरीज बोर्ड से लगा करके मीटर की आपको टेस्टिंग करके बता दें। देख लें करंट आ रहा है। अब यहां देखेंगे मीटर रीडिंग भी करेगा, अगर मीटर सही होगा तो आप देख सकते हैं नया वाला मीटर हमारा रीडिंग कर रहा है। तो ये मीटर हमारा सही है। अब हम आपको इस स्टेबलाइजर में मीटर को लगाने का सही तरीका बता रहे हैं। अब ये मीटर आपका ये नहीं कि बिल्कुल आप पीछे से ऐसे लगा देंगे, बिल्कुल आगे से आपको यहां आगे से ऐसे ऐसे आपको ऐसे इसके अंदर डाल देना है, बस ऐसे डाल दीजिए। और ये जो स्टैंड है, स्टैंड को इसके अंदर लगाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं ये ऐसे लगाएंगे और ये स्टैंड बिल्कुल इस नट से यहां पर लगा देंगे। और एक इसके साथ हमेशा जब भी आप वोल्ट मीटर बदलेंगे तो नट इसमें आपको हमेशा कंपनी देती है। तो एक नट इसके अंदर हमारा गिर गया है, उसे तो हम बाद में निकाल लेंगे। बस ये हो गया। इसके बाद यहां पर अब हम ये वायर निकाले थे,
इस वायर को जहां से हम निकाले थे वहीं पर हम वायर को लगा देंगे। तो अब हम पहले इसके पिनों का, इसे हम कहते हैं अपने शब्दों में, पहले हम पिनों का बाल बना लेते हैं जिससे वायर आसानी से इस पर लग जाए। तो बाल बनाने के लिए देखेंगे, नहीं तो आपका डायरेक्ट वायर जुड़ेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा रांगा यहाँ पे आपको ऐसे गला देना होता है जिससे पिन पर आपका वायर आसानी से, अभी देखेंगे आप एक बार में ये चिपक जाएगा, ये देखेंगे ये लग गया। अब दूसरा वायर भी देखिए, शोल्डिंग करने का भी अपना एक तजुर्बा होना चाहिए, तो इस तरह से आप इसमें शोल्ड कर देंगे। शोल्ड कर देने के बाद जब आप इसे शोल्ड कर देते हैं तो अब इसमें आपको करना क्या है कि यहां वोल्टेज स्टेबलाइजर में जब भी आप वोल्ट मीटर को बदलेंगे तो इसकी इनपुट सप्लाई निकाल देंगे, स्टेबलाइजर में सप्लाई नहीं आना चाहिए, उसके बाद भी अपना वोल्ट मीटर चेंज करेंगे। तो इस तरह से आपको, मैं यहां पर एक बार इसे फिर से चेक करके दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं सीरीज बोर्ड में हमारे करंट है। अब हम मीटर में आप देखेंगे एक बार फिर से सप्लाई दे रहे हैं और मीटर हमारा रीडिंग कर रहा होगा, और यहीं से स्टेबलाइजर में देखेंगे एक रेड एलईडी जल रही होगी या ग्रीन एलईडी। तो इस तरह से करंट हमारे मीटर में जा रहा है और मीटर हमारा रीडिंग कर रहा होगा। तो यहां पर मीटर हमारा रीडिंग कर रहा है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर में वोल्ट मीटर बदलना आ गया होगा।